अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारा है ओरिएंटेशन एनईडी यूनिवर्सिटी में। हमारा तो नहीं है, 2023 के बैच का, हमें तो एक साल हो गया। कार्निवल के सामने हम खड़े हुए हैं, मेन ऑडिटोरियम है सामने, तो आ जाइए अंदर चलते हैं। बेहतरीन हुए हैं यहाँ के, यहाँ पे जैमिंग चल रही है, गिटार बज रहा है, सब इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ के स्टॉल भी लगे हैं। वहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है मेन, वहाँ पे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ चल रही है हर जगह। और यहाँ पे आपका ये इंजॉय का दिन है, जब क्लासेस शुरू हो जाएंगी फिर यूनिवर्सिटी इंजॉय करेगी और आप जस्ट सहेंगे। भाई अब हम आ चुके हैं DMS, और ये जो है ना बर्गर्स के लिए ज़्यादा जो है ना उठी बंगले वाले वही यहाँ पे आए। और भी यहाँ पे कैंटीन्स हैं, एक DMS जो है सबसे महंगा कैफे है यहाँ का, और ये नया ही बना है तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी है। इसके साथ साथ और जो हमारे पास जो NED में कैफेटेरिया था, एनवायरो हो गया, और क्या स्टाफ हो गया, मैक कॉर्नर हो गया जो मैकेनिकल के सामने, इस वजह से मैक कॉर्नर उसका नाम है। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल के फोटो स्टेट के साथ एक कैंटीन है, वहाँ पर भी आपको डिफरेंट वराइटीज़ ऑफ फूड मिलते हैं। टाइम हो गया खाने का, हम भी खाना खाते हैं, लेकिन उससे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अब आपको नमाज़ के लिए बताते चलें कि यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद भी है, आ जाएँ आपको भी एक्सप्लोर करवाते हैं। काफ़ी लोगों को शौक होता है कि हम पहले से देखें, तो आज हम आपको जो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स हैं ना उनका भी रिव्यू देंगे। जैसे सॉफ्टवेयर का तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, सबसे हाई फील्ड है, वरना सबसे पहले हम उसका दिखाते हैं। CIS का बड़ा बहुत बेहतरीन बना हुआ डिपार्टमेंट, नया बना है वो भी पिछले साल ही, वो हम दिखाते हैं आपको। और जो जैसे हो गए इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तो पीछे ही है, यहाँ से मेरे आप दिखा दें, वो मैकेनिकल है पहले, उसके साथ ही इलेक्ट्रिकल है। जो ऑडिटोरियम के सामने मैंने आपको बताया था वहीं पे सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल आगे पीछे ही है साथ साथ। अच्छा, काफ़ी लोग जो है वो ग्रुप्स पे फेसबुक के सवाल करते हैं कि भाई जिम वगैरह है, कोई प्ले एरिया है या नहीं है जहाँ पे आप खेल सकते हैं। तो DMS पे अभी हम बैठे हुए थे, DMS के साथ ही जो गली जा रही है ना, यहाँ पे पूरा जिमनेजियम है। मुझे मस्जिद जाने से पहले याद आया कि जिमनेजियम का जो साथ ही रास्ता है वो भी आपको बता दूंगी, जिमनेजियम है। भाई ये मस्जिद के साथ ही पॉलीमर का डिपार्टमेंट है, पॉलीमर के सामने ही कोई नया डिपार्टमेंट बन गया। मेन जो हमारा फोकस है ना वो हमारा है फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर, ये आ गया हमारा फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और ये जो रोड जा रहे हैं मस्कन की तरफ जा रहे हैं, मस्कन की तरफ भी एक गेट है NED का, जो मैंने जनवरी में ब्लॉग बनाया था उसमें मैं मस्कन के गेट से ही आ रहा था, तो आपको पता चल जाएगा। ये आप देखें केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लेकिन इसके सामने उसको कौन देखेगा, ये देखने वाली चीज़ है। तो भाई मस्जिद के उस तरफ मटेरियल था और इस तरफ सामने जो फेसिंग है उसमें बड़ा प्यारा खूबसूरत सा डिपार्टमेंट बना हुआ है IM का। अच्छा, मुझे भी अली भाई को भी थोड़ी भूख लग रही है, तो भोजन करने के लिए हम थोड़ा जाते हैं कैफेटेरिया। हम जाते हैं एनवायरो और एनवायरो आपको दिखाते हैं कैसा बना है, और वो भी बड़ा अच्छा बना हुआ है, वो कैफेटेरिया है पूरा। बाकी कैंटीन्स तो बहुत हैं जहाँ पर बैठने का अरेंजमेंट नहीं होता, तो आइए एनवायरो चलते हैं। तो भाई बिरयानी मंगा ली हमने, बिरयानी अच्छी होती है यहाँ की, आज ट्राई करते हैं कैसी है। भाई यहाँ पे जो है हर कैंटीन का कुछ सवाल DMS के हैं, बिल्डिंग आपको मिलेंगी यहाँ की, बिल्डिंग बहुत भूखी होती है। अच्छा, आप लोग बोल लोगे हमें डर नहीं लगा, हमें दरअसल एक साल हो चुका है, हमें आदत हो चुकी है इन बिल्डिंग, आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा पहले साल में, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी आदत होगी। भाई ये है एनवायरो फोटो स्टेट, यहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, क्योंकि जो है यूनिवर्सिटी में और आपका प्रिंट और मैनुअल्स वगैरह का खर्चा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो यहाँ पर भी आपका आना जाना लगा रहेगा। और ये इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट के सामने ही है, तो इस वजह से इसको इन्वायरमेंटल कैंट फोटो स्टेट कहा जाता है, इस वजह से इन्वायरो भी बोला जाता है इसको। और एक और फोटो स्टेट है वहाँ पे अली फोटो स्टेट, वो है IM के बराबर में,
तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं अगर आपको जाना हो, और ये एनवायरो भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर डिपार्टमेंट कि आपको अपने डिपार्टमेंट से कौन सा करीब पड़ रहा है। हमें एनवायरो करीब पड़ता है हमेशा। तो भाई NED का जो फूड इंजीनियरिंग के बाद सबसे खूबसूरत डिपार्टमेंट है ना, वो है CIS का। ये नया नया ही बना है, ये भी पिछले साल से ऑन हुआ है फूड इंजीनियरिंग भी, लेकिन अगर देखा जाए तो फूड इंजीनियरिंग ज़्यादा खूबसूरत है थोड़ा, लेकिन CIS की भी कोई टक्कर नहीं है क्योंकि नए डिपार्टमेंट बन रहे हैं। तो आप ऑब्वियसली देख सकते हैं आजकल टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंप्रूव कर रही है तो और अच्छी चीज़ें बनती जाती हैं। तो मैं खड़ा हूँ CIS डिपार्टमेंट और CIS के बिल्कुल फेसिंग पे, बिल्कुल अपोजिट जो है वो हॉस्टल है। मेल फीमेल दोनों मतलब एक सेक्शन तो बना हुआ है एक किस्म का, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं है मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है, लेकिन बने हुए तकरीबन साथ ही हैं कि मतलब ये फीमेल होगा तो इसका थोड़ा गैप से मेल होगा, अगर ये मेल है तो थोड़े गैप से उधर फीमेल होगा। और कैंटीन भी हॉस्टल वालों को अलग से है वहाँ पे RC नाम से, जो मैंने बताई भी थी इनवायरो के वक्त। तो अब क्या कहते हैं, CIS तो हम दिखा चुके, और कौन सा डिपार्टमेंट है भाई, अपना ना दिखा दें टेलीकॉम। अब अपना तो दिखाया ही नहीं हम, कब से दूसरे दिखा रहे हैं। टेलीकॉम एक बहुत सिंपल सा सादा सिंप्लिसिटी से बना हुआ है, तो वो हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही है। आ जाए भाई, टेलीकॉम जाते जाते इलेक्ट्रॉनिक्स के डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने HPCC है। यहाँ से आके जो जूनियर्स ने सबसे पहला काम करना है वो ये करना है कि यहाँ पे आके वाईफाई ले लेना, 4 साल के लिए छुट्टी। तो भाई ये कोई और डिपार्टमेंट का, हमारे टेलीकॉम की तो ओरिएंटेशन हो चुकी, किसी और डिपार्टमेंट की ओरिएंटेशन चल रही है, तो उसके बच्चे जा रहे हैं अपना डिपार्टमेंट विजिट करने, फैकल्टी से मिलने, ये सब टेलीकॉम का हो चुका है। तो और शटल सर्विस भी है साथ में, यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह आप लोग जब 8:30 पे आएंगे तो आपको डिपार्टमेंट से अंदर गाड़ी या बाइक लाना अलाउ नहीं है, आपको पार्किंग में खड़ी करना पड़ेगी, शटल में बैठ के आप आ सकते हैं। शटल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोनों गेट से, मस्कन से भी और मेन गेट से भी। तो भाई मैं खड़ा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स और इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट साइंसेज के डिपार्टमेंट के बीच में। इकोनॉमिक एंड मैनेजमेंट साइंसेज राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे तो कहेंगे पीछे ही कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। आ जाए, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है। आज टेलीकॉम पे चलते हैं, अपना डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत अच्छा बना हुआ है नो डाउट, वो बड़ा भी बना हुआ है। टेलीकॉम का बात ये, वो छोटा इसलिए थोड़ा कि उसकी जो है ना वो लैब्स अलग हैं और थ्योरी की क्लासेज अलग हैं। तो थ्योरी की क्लासेज यहाँ पे होती हैं, लैब्स इसकी हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का और इलेक्ट्रिकल का, जहाँ ऑडिटोरियम के पास वो है ना डिपार्टमेंट, वहाँ पे लैब बनी हुई है टेलीकॉम की पहले की, क्योंकि टेलीकॉम डिपार्टमेंट भी बाद में ही बना है, पहले यहाँ पे नहीं था, ये थ्योरी के लिए बाद में बनाया गया है। यहाँ पे थोड़े उबारे लगे हुए थे, वो मैं आपको सीन दिखा दूंगा, और अंदर से जो सजावट थी वो सब मैं इसके बाद आपको दिख जाएगी। और टेलीकॉम के साथ थोड़ा दूर है, पीछे अंदर की तरफ है टेलीकॉम, थोड़ा आगे की तरफ है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम। टेक्सटाइल हम आपको दिखाते हैं आगे। तो भाई ये यहाँ बच्चा एंट्रेंस पे जा रहा है, ये टेक्सटाइल की एंट्रेंस है, और ये डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, गार्डन भी है इसमें। टेक्सटाइल और अप्लाइड फिजिक्स के दरमियान एक पेट्रोलियम का भी डिपार्टमेंट आता है, ये भी पूरा जो है वो कहते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट। दिखाएं पहले आप, पेट्रोलियम के साथ जो है ये ऑटोमोटिव है, जो कि अप्लाइड फिजिक्स की एक किस्म की, वो सॉरी मैकेनिकल की सब फील्ड है ऑटोमोटिव। इसके साथ ठंडा पानी आपको मिलता है, अगर आपको पानी भरना हो फुल फ्रेश वाटर, यहाँ पे ठंडा पानी हम लोग भी बहुत भरा है हमने यहाँ से पानी। ओके, सामने यहाँ पे जो रास्ता जा रहा है ना, ये जिमनीजियम की तरफ जाते हैं, DMS वाला रास्ता है, हम वापस जा रहे हैं। तो वो हम काफ़ी दफ़ा खेल वेल के आते थे, तो हम लोग रास्ते से जाते जाते यहाँ से पानी भरते हुए जाते थे। तो भाई अब आ चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, जो पेट्रोलियम के बराबर में है। इसकी मैं बात कर रहा था कि बहुत हवादार बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं ऊपर, ओपन है पूरा, ये देखें आप गैलरी बनी हुई है दोनों फ्लोर्स पे, तो ये बड़ी हवादार क्लासेज हैं अंदर की। इधर से हम निकलते हैं, जो ये रास्ता जा रहा है ये DMS और जिमनेजियम के दरमियान का रास्ता है। हम जब टेलीकॉम से आते हैं तो हमें एक ये शॉर्टकट पड़ता है, मैं पूरा बाहर से रोड से घूम के नहीं आना पड़ता DMS वाले, हम लोग यहीं से आ जाते हैं और यहाँ निकलते हैं जिमनेजियम। ये आप देख सकते हैं DMS, ये DMS का बैक लुक है। यहाँ पे पहले स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे पहले सबसे पहले, और उसके साथ है गर्ल्स जिमनेजियम जो कि अब फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन की वजह से बंद है, बॉयज़ जिमनेजियम ऑन है। क्रिकेट ग्राउंड है यहाँ पे, और क्या कहते हैं फुटबॉल का ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड है। अली भाई थक गए, अली भाई जो है ना मुंह बना रहे हैं कि भाई नहीं बाहर से ही दिखाना था सिर्फ, भाई जान अंदर से कहेंगे व्यूअर्स के, हम ऐसा थोड़ी करेंगे व्यूअर्स के साथ यार, हम
ये आप देख सकते हैं, ये बास्केटबॉल कोर्ट है और बास्केटबॉल कोर्ट ऐसे ही ख़त्म होता है, इसके साथ ही टेनिस कोर्ट है। और यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में बास्केटबॉल बिल्कुल नहीं खेला जाता, टेनिस कोर्ट में टेनिस भी नहीं खेला जाता बिल्कुल भी, फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल खेला जाता है। और क्रिकेट जो ग्राउंड है पूरा बना हुआ, हम आपको दिखाते हैं, वहाँ पे भी मैच चल रहा है। वहाँ पे आप लोग नॉर्मली आके क्रिकेट नहीं खेल सकते, आप लोगों को पूरी टीम 11-11 की बनानी पड़ती है। अदरवाइज़ जो मैंने बताया कि बास्केटबॉल में बास्केटबॉल नहीं खेला जाता, वहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है। एक ही कोर्ट में 4-4 मैच हो रहे होते हैं। और इसी तरह टेनिस का हाल है, टेनिस कोर्ट की बाउंड्री थोड़ी बड़ी है, बास्केटबॉल की छोटी है। ये दरवाज़ा खुला हुआ है, आज एंटर करते हैं यहाँ से, अंदर से भी आपको दिखा देते हैं कैसा बास्केटबॉल खेला जा सकता है यहाँ पे, वो भी गोल भी बने हुए हैं। ये आप देखें, फुटसॉल के लिए भी गोल है यहाँ पे, ये देखें एक वो रखा हुआ, वो आप बीच में सेंटर में कर सकते हैं, ज़्यादातर होता है वो सेंटर में। इसी तरह एक गोल ये बना हुआ है, ये ज़्यादातर उधर और इधर ही रखा होता है, अगर कोई बास्केटबॉल खेल रहा है तो साइड पे किया हुआ है। ये देखें बास्केटबॉल का गोल है, इधर दिखाओ, ये बास्केटबॉल का गोल लगा हुआ है, एक इधर, एक उधर, एक उधर, एक उधर, चार टोटल लगे हुए। ये बास्केटबॉल कोर्ट है, इसके बराबर में टेनिस कोर्ट है, इसका दरवाज़ा यहाँ से आ जाए, दिखाते हैं आपको। तो ये बास्केटबॉल की एग्जिट है, चार गेट हैं हर कोर्ट के, ये टेनिस कोर्ट। ये देखें आप, ये है टेनिस कोर्ट, एक ओपन एनवायरनमेंट आपको मिल जाता है। अगर आप अकेले हो तो आप सेंटर में खेलेंगे तो आपको ऑफ साइड भी मिल जाएगी, लेग साइड भी मिल जाएगी, स्ट्रेट भी मिल जाएगा, सिवाय बैक के। बैक में आपका नुकसान ये है कि बैक में है KU, कराची यूनिवर्सिटी में बॉल जा सकती है, और वो कराची यूनिवर्सिटी का वो वाला एरिया है जो के झाड़ियों में पूरा भरा हुआ है। NIT का क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ भी मैं जाके पिच की वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, पिच की मैंने पहले बनाई थी, वो जनवरी वाले ब्लॉग में मैंने डाली हुई है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैच चल रहा है, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता आपको अभी, पर ये है फुटबॉल ग्राउंड। और इसके फुटबॉल ग्राउंड के जो चारों तरफ है ना, ट्रैक बना हुआ है रेसिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने कभी देखी तो नहीं है कोई रेस करता हुआ, लेकिन जब वो होता है ओलंपियड होता है, हर साल जो होता है स्पोर्ट्स का इवेंट होता है ओलंपियड, तो उसमें जो है वो रेसिंग वगैरह होती है। और ये पूरा 360 फुटबॉल ग्राउंड के घूम के आते हैं। और ये बाहर का हिस्सा है जो है NED का, मतलब ये फ्रंट से दिखता है, अगर आप बाहर मेन रोड से यूनिवर्सिटी रोड पर अगर जा रहे हो तो आपको एक ग्राउंड दिखेगा। ये बड़ा बहुत प्रॉपर ग्राउंड है जो फुटबॉल का होता है, उतना ही ग्राउंड है ये। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, काफ़ी सारा तो रिव्यू करवा दिया, लेकिन एक कोना हमारा रह गया यूनिवर्सिटी का, बाकी मैंने आपको ओवरऑल सब करवा दिया है। वो कोना है NED के जो पिछला गेट है ना, उसके साथ जो रोड आता है ना, उधर सारे स्टाफ कैंटीन है, SFC है, स्टूडेंट अफेयर्स है वहाँ पे, और क्या कहते हैं मैक कॉर्नर, इस तरह की कैंटीन्स हैं। हाँ, उसके साथ साथ जो है वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, मेडिकल है, वहाँ पे मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे आप जा सकते हैं। मेरा एक दफ़ा हाथ जल गया था सेकेंड सेमेस्टर में, मैं वहाँ जाके करवा के आया था। तो इंशाल्लाह वो अगले व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे, व्लॉग भी काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसमें आपको वो वाला हिस्सा एक्सप्लोर करवाएंगे, स्टाफ कैंटीन हो गया और सिविल का बैक साइड है जो अर्बन इंजीनियरिंग वगैरह उधर की डिपार्टमेंट है वहाँ के, तो वो जो है हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, इस व्लॉग को यहाँ पे करते हैं एंड। मेक श्योर करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले व्लॉग का आपको सबसे पहले पता चल जाए, और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।